हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंटोन। सो बात करने वाले हैं एक न्यू रिलेशन की, एक न्यू इक्वेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिलने वाला है थर्मोडायनामिक्स का, जो हमको आने वाले न्यूमेरिकल्स में, आने वाले जब हम सम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। सर, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि आप एंथैल्पी को या इंटरनल एनर्जी को कैसे रिलेट कर सकते हो। सर, हम लोगों ने पहले देखा कि इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू कैन बी रिटन एज क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे क्यू का मतलब होता है हीट दैट इज एडेड एंड डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क दैट विल बी डन, सो इट विल बी वर्क डन। सो ये इंटरनल एनर्जी। सो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वर्क डन, और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज एंथैल्पी दैट इज एच से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, प्लस यू कैन से इट्स वर्क डन। सो मैं यू कह सकता हूं इंटरनल एनर्जी, और आई कैन से यू इज अ फंक्शन ऑफ एंथैल्पी प्लस वर्क डन। एम आई करेक्ट? बिकॉज क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये कब होगा? दिस विल बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट अंदर बाहर जाती है हम उसको एंथैल्पी के टर्म से डिनोट करते हैं। सो मैं कहूंगा कि एंथैल्पी दैट इज एच विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन। आई होप ये आपको समझ में आया। सो ये आपसे कहेगा कि इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है। सर, इस इक्वेशन का मीनिंग बड़ा सिंपल है कि मान लो अगर मेरे पास एक सिस्टम है और मेरे उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया है, लेट अस से 50 जूल्स का इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, तो आई विल से डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 50 जूल्स। ओके, उसके बाद मैं क्या कहता हूं कि मेरे सिस्टम ने वर्क डन किया है, माय सिस्टम हैज डन वर्क। तो मेरे सिस्टम ने जो वर्क डन किया, लेट अस से वो 20 जूल्स का वर्क डन किया है। सो मेरे सिस्टम में जो एनर्जी आई है वो 20 जूल्स की, या मैं कहूंगा मेरे सिस्टम में जो एनर्जी आई है वो 20 जूल्स की आई है। सर, एक क्वेश्चन है, एनर्जी आई तो 20 जूल्स की है पर इंटरनल एनर्जी 50 से चेंज कैसे हो गया? इसका मतलब वर्क डन की वजह से जो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है वो तो सिर्फ 20 का हुआ है, तो बाकी का 30 किससे हुआ है? तो सर, बाकी का 30 जो हुआ है वो भी मे बी इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर आपने शायद हीट ऐड किया होगा। तो 20 जूल विल करस्पॉन्ड टू वर्क डन एंड दिस 30 जूल विल करस्पॉन्ड टू हीट एडेड। तो सर, आप हीट एडेड, एंड इफ दिस इज हैपनिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो इस हीट एडेड को मैं क्या कहूंगा? एंथैल्पी। तो सर, एंथैल्पी कितना है? सर, बड़ा सिंपल है, एंथैल्पी इज 50 माइनस 20। सो दिस इज 50 माइनस 20, ये आपको क्या दे रहा है? एंथैल्पी। सो एंथैल्पी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन। आई होप ये क्लियर है। सो यहां से मुझे ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का मीनिंग है ये। सिर्फ इक्वेशंस को बायहार्ट मत करो, इक्वेशंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझो, वो इक्वेशन तुमसे क्या कहना चाहता है उसको भी समझो। सर, हमने स्टार्ट किया था इस इक्वेशन के साथ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एंथैल्पी प्लस वर्क डन। तो एंथैल्पी कितना है प्लस वर्क डन कितना हुआ है? अब उसमें से अगर मुझे इंटरनल एनर्जी दिया है, वर्क डन किया दिया है, तो मैं एंथैल्पी को बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन। सो व्हाट आई विल बी सेइंग विल बी माय एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। नाउ एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू राइट वर्क? सर, वर्क को लिखने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। यानी मैं कह सकता हूं वर्क इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो वर्क इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये भी माइनस के साथ। तो व्हाट विल बी माइनस वर्क डन? माइनस वर्क डन विल बी पी इनटू वी, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम। सो मैं एक काम कर सकता हूं, माइनस वर्क डन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? पी वी लिख सकता हूं। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? मेरा इक्वेशन हो जाएगा एच विल बी इक्वल टू यू प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो हम ये कहेंगे कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो सर, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी कुछ तो एंथैल्पी थी, लेट अस से H1, वो पहले कुछ स्टेट में था H1 थी। सो मैं कहूंगा उसका एंथैल्पी वन क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी वन प्लस प्रेशर वन इनटू वॉल्यूम वन। मान लो मैंने कुछ तो उसके अंदर किया, कुछ प्रोसेस किया जिसको उसका एंथैल्पी बदल गया, नाउ इट्स H2, तो मेरा एंथैल्पी क्या हो जाएगा? U2 प्लस P2 V2। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी? द चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा H, डेल्टा इज गोना बी H2 माइनस H1, दैट्स गोना बी H2, दैट्स U2 प्लस P2 V, एंड दिस विल बी सॉरी 2 U2 प्लस P2 इनटू V2 माइनस H1, सो दैट विल बी U1 माइनस P1 V1। आई होप समझ में आया ये माइनस क्यों आया। अगर ब्रैकेट डालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, बट मैंने ब्रैकेट को डायरेक्टली रिमूव कर दिया है। सिंस मैंने ब्रैकेट को रिमूव किया तो यहां पर भी ये टर्म क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नाउ आप एक चेंज कर सकते हो, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1, सो दिस विल बी U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस
P1V1. So U2 minus U1 क्या हो जाएगा? Delta U. So this will be delta H will be equal to delta U. Plus, sir, हम लोग ये जो कर रहे हैं ये constant pressure पे कर रहे हैं, क्योंकि enthalpy का term ही तभी आता है जब constant pressure पे कोई चीज होती है. So pressure will be constant. So pressure पहले जितना था उतना ही pressure बाद में होने वाला है. तो मैं pressure को common निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? V2 minus V1. So मेरे पास equation क्या आएगा? Delta H will be equal to delta U plus P delta V. So this is the relation between internal energy and enthalpy. आई होप समझ में आया. सो ये तो मेरा पहला रिलेशन है सर, जहां पे मैं एंथैल्पी को इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के साथ रिलेट करता हूं. सो इट्स अ रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क डन. सर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को हम दोबारा लेते हैं. सो मेरा इक्वेशन क्या है? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1. मैं इसको डेल्टा यू लिख देता हूं और इस पूरे टर्म को मैं ऐसे के ऐसा रखता हूं. नाउ सर यू नो वन थिंग, P into V is equal to nRT. ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है. Am I correct? तो हम क्या कहेंगे? P1V1 will be equal to N1RT. अगर same constant temperature पे कर रहे हैं, if it's an isothermal temperature, तो हम temperature constant रखेंगे. तो मेरा P2V2 क्या हो जाएगा? P2V2 will be equal to N2RT. So sir, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे P1V1 और P2V2 की जगह इन equations को substitute करूँगा. तो जब मैं इन equations को वहाँ पे substitute करूँगा, तो मेरा relation क्या हो जाएगा? Delta H will be equal to delta U plus, that's P2V2, so this will be N2RT minus P1V1, so this will be N1RT. Sir, RT common है, तो एक काम करो, RT को common निकालो, so this will be delta U, और अंदर क्या बचेगा? N2 minus N1, और ये क्या हो जाएगा? RT. So this will be delta U plus, what is N2 minus N1? Delta N, and it will be RT. So this will be delta H. Sir, देखिए हमको ये equation मिल गया. So, sir, मैं यूं कह सकता हूं कि मेरे पास दो इक्वेशंस आए. पहला इक्वेशन मुझे ये कहता है कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, दैट्स रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क डन. और दूसरा इक्वेशन मुझे कहता है डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. वेट अ सेकंड, अगर ये वर्क डन है, यहां वर्क डन था, यहां वर्क डन था, तो डेल्टा एन आर टी का मतलब भी वर्क डन होना चाहिए. हाँ सर, डेल्टा एन आर टी का मतलब भी वर्क डन होता है. मैं इस पूरी चीज को वापस से लिख रहा हूं बिकॉज मुझे कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है यहां पे. सो लेट अस से मैंने जो यहां से डिराइव किया, मैं उस चीज को ले रहा हूं. सो मेरा पहला इक्वेशन मेरे पास जो आया वो ये था कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ओके, ये मेरा पहला इक्वेशन था. दूसरा इक्वेशन था डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. सो ये मेरा दूसरा इक्वेशन था. सर मैं इससे ये पता कर सकता हूं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी, दैट इज माइनस पी डेल्टा वी, और इट्स ऑल्सो इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी, वर्क डन बाय द सिस्टम. सर ये डेल्टा एन आर टी का मतलब क्या है? सर डेल्टा एन आर टी का मतलब ये है कि मान लो मैं आपसे एक कंडीशन कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास आई वॉन्ट NH4Cl, मेरे पास NH4Cl है और ये डीकम्पोज होता है, और ये डीकम्पोज होने के बाद मुझे देने वाला है NH3 प्लस, ये मुझे देने वाला है HCl. नाउ NH3 इज ऑल्सो ए गैस और HCl इज ऑल्सो ए गैस और NH4Cl इज अ सॉलिड. मुझे बताओ अगर ये रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, सो वॉट विल बी द वर्क डन इन दिस डीकम्पोजिशन प्रोसेस? अरे सर आप कहोगे यहाँ कहाँ प्रेशर है, कहाँ वॉल्यूम है, पी एक्सटर्नल किधर है? क्योंकि हमारे पास वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं. हम लोगों ने दो फॉर्मूले वर्क डन के पढ़ा. पहला वर्क डन का फॉर्मूला कहता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला कहता है माइनस 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1. ना तो इधर वॉल्यूम दिया है, ना ही इधर प्रेशर दिया है, ना ही इधर पी एक्सटर्नल दिया है. सिर्फ इतना कहा गया है NH4Cl जो कि सॉलिड है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अमोनिया गैस और HCl गैस में डिकम्पोज हो रहा है. इस चीज को समझो, मानो आपके पास एक कंटेनर है, यू हैव गॉट अ कंटेनर जिसके अंदर आपने सॉलिड NH4Cl लिया था, NH4Cl. अब ये सडनली डिकम्पोज हो गया क्योंकि आपने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया, तो ऊपर आपको कौन सी गैस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी? सर आपको ऊपर दो टाइप की गैस मिलेंगी. सबसे पहले कौन सी गैस मिलेगी? HCl, और दूसरी गैस कौन सी मिलेगी? अमोनिया, दैट इज NH3. बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर HCl गैस कैसे है. सर यस, HCl इज अ गैस. प्लीज HCl को लिक्विड मत समझिएगा क्योंकि आपने लेबोरेटरी में HCl को लिक्विड समझे देखा है. HCl इज अ गैस. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाती है HCl में,
इट्स अ पोलर कंपाउंड. HCl गैस को पानी में डिजोल्व करके रखा जाता है जिसकी वजह से अपने को HCl का लिक्विड सोल्यूशन मिलता है. दैट HCl दैट यू गेट इज अ सोल्यूशन. अगर ढक्कन को खुला रख दिया गया तो HCl गैस इवोपरेट हो जाता है, आपके पास सिर्फ पानी मिलता है. यही कारण होता है कि बहुत बार जब आप HCl के साथ कोई टेस्ट करते हो या HCl को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो, रिजल्ट नहीं आता. रीजन ये है कि मे बी शायद वो ढक्कन खुला रहेगा, HCl उड़ गया तो आपके पास सिर्फ पानी बचा, आपने एसिड का यूज ही नहीं किया क्योंकि एसिड तो उसमें था ही नहीं, एसिड वुड हैव बीन इवोपरेटेड. तो आप HCl को गैस कंसीडर कीजिएगा, प्लीज HCl इज नॉट अ लिक्विड. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर NH4Cl सॉलिड था, HCl गैस था और अमोनिया भी गैस था, तो व्हाट इज द वर्क डन? और ये कितने डिग्री पे हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है. ऐसे केसेस में अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, जहां ना तो प्रेशर है, ना तो वॉल्यूम है, ना तो कुछ दिया हुआ है, उन केसेस में आप वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस डेल्टा एन आर टी. सर व्हाट इज डेल्टा एन? सर डेल्टा एन का मतलब होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंटू आर इंटू टी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट? सर कहने का मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो सर नंबर ऑफ मोल्स वो भी किसके होने चाहिए? गैस के. तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे डेल्टा एन के बाजू में जी लिख देता हूं, यहां पर भी डेल्टा एन के बाजू में मैं जी लिख देता हूं, बिकॉज वर्क डन करने का काम गैस ही करेगा ना, क्योंकि एक्सपांशन तो गैस ही करता है, सॉलिड लिक्विड तो ना एक्सपांड करते हैं. तो जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा एन का फॉर्मूला किसके लिए लगाने वाले हो? इट्स फॉर गैसेस. तो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना? इधर वन मोल है, इधर भी कितना है? वन मोल है. तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? इधर टू. सो दिस विल बी टू माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट. सर वन मोल है? नहीं, वो सॉलिड है और हमको क्या चाहिए? सिर्फ गैस. तो 2 माइनस 0 इंटू आर. आर का वैल्यू आपको मालूम है 8.314 जूल्स और टेम्परेचर कितना दिया? 100 डिग्री. 100 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 373.15. आप इसको सॉल्व करो, आपको जो भी मिलेगा उसको आप क्या कहोगे? वर्क डन. और वो भी किस में मिलने वाला है? जूल्स में. आई होप आपको यह समझ में आया कि वर्क डन के तीन फॉर्मुलेस हैं. पहला वर्क डन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूजुअली डेरिवेशंस में देखा है, जिसको कहा जाता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी. ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको सिर्फ कहा जाता है कैलकुलेट वर्क डन. दूसरा फॉर्मूला माइनस 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 v2 अपॉन v1. ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब न्यूमेरिकल में लिखा होगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. रिवर्सिबली क्योंकि यहां पे w max अपने को मिलता है. सो मैं यहां पे w नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा w max, मैक्सिमम वर्क डन, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है. जब वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 2 तक वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है. उसके बाद थर्ड फॉर्मूला आपका आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला जब तब यूज करोगे जब कोई चीज डीकम्पोज होती है या वहां पे गैसियस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं एक रिएक्शन में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेड मल्टीप्लाइड बाय आर इनटू टी.